मेरे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। यह है क्लास 7 हिंदी बाल महाभारत कथा। अब यह है प्रश्नोत्तर की सीरीज है। इसमें मैं आपको एक चैप्टर तक लेके अध्याय एक चैप्टर से लेके आपको 5 अध्याय तक करवाऊंगी। बाकी ये जो कोई मतलब जो पार्ट की जो रीडिंग है वो चल रही है हमारे, 34 चैप्टर तक हो चुके हैं। तो आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप देख सकते हो। साइंस की भी चलिए तो साइंस को भी आप उसको देख सकते हो। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हो और आप चाहते हो कि ये जो इस तरह की सीरीज है मैं आपको कंटिन्यू रखूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मैं इसमें शुरू करती हूँ। सबसे पहला हमारा अध्याय है महाभारत कथा। सबसे पहले हम करेंगे इसमें कठिन शब्द, ये जो पाठ के जो भी कठिन शब्द उनको करेंगे। पौराणिक का मतलब होता है बहुत प्राचीन या बहुत पुराना होना। कुटिल का मतलब दुष्ट होना या खराब व्यक्ति होना। बैर भाव का मतलब होता है दुश्मनी लेना किसी से। अज्ञातवास का मतलब होता है छिपकर रहना। अज्ञातवास का मतलब होता है जिसमें किसी को पता ना चले कि हम किस तरह से रह रहे हैं। जैसे पांडवों ने एक क्या 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 था, 1 साल का अज्ञातवास को क्या नाम बिताया था। तो उसमें क्या था कि जो युधिष्ठिर थे तो उन्होंने मंत्री का रूप, मंत्री की तरह एक उसमें रहे थे वो, और जो द्रौपदी थी वो दासी के रूप में रहे थे, और जो नकुल और सहदेव थे वो भी घोड़ों के वहाँ पे रखवाल में रहे थे, और जो मतलब भीम था वो रसोईया बनकर रहा था। तो इस तरह सुना अज्ञातवास का मतलब है कि छिपकर रहना सबसे। अब इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है महाभारत कथा के रचनाकार का नाम बताओ। तो महाभारत कथा महर्षि प्रासर के पुत्र व्यास मुनि द्वारा लिखी गई थी। मैं आपको इसी सीरीज में सारे क्वेश्चन कराऊंगा, आप एक दो बार देख लीजिए तो आपको सभी याद हो जाएंगे। पांडु की कितनी रानी थी? पांडु की 2 रानी थी, कुंती और माद्री। कुंती और माद्री। फिर हमारे इसमें आया थर्ड क्वेश्चन। तो इसमें दिया हुआ है कि कुंती और माद्री के पुत्रों का नाम बताए। कुंती ने युधिष्ठिर भीम अर्जुन को जन्म दिया था, जबकि नकुल और सहदेव की माँ माद्री थी। धृतराष्ट्र के कितने पुत्र थे? उनके सबसे बड़े पुत्र का क्या नाम था? धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे जो कौरव कहलाए थे, और सबसे पुत्र का नाम दुर्योधन था। कौरव और पांडव को कहाँ का राज्य मिला था? अब समझौते के अनुसार क्या था कि जो कौरव थे हस्तिनापुर के राजा बने, और पांडव का इंद्रप्रस्थ वर्तमान जो दिल्ली है वो मिला था राज्य। फिर हमारा है कि पांडव के बाद राज्य का उत्तराधिकारी कौन बना? पांडव के बाद राज्य का उत्तराधिकारी उनका पौत्र पोता परीक्षित बना था, जो अभिमन्यु का बेटा था। अब अध्याय इसमें दूसरा है देवव्रत। इसमें भी हमारे आया हमारे कठिन शब्द आए हैं। तो पाठ के जो भी थे वैसे मैंने चैप्टर में साथ साथ करवाए हैं कठिन शब्दों को। बाकी जो जो मतलब अच्छी तरह से आप इसको कर सकते हैं इसके अर्थ को, तो मैं ये भी करवा रही हूँ आपको। मोह लेना, मोह लेने का मतलब आकर्षित करना। क्षोभ बार बार का मतलब अत्यधिक क्रोधित होना। प्रचंड का मतलब काफ़ी तेज होना, जिसमें तेज लाइट होती है वो होता है। घृणित का मतलब होता है नफरत के योग है। अब आते हैं हम क्वेश्चन आंसर। अब इसमें है शांतनु कहाँ के राज्य थे? शांतनु कौन थे? भीष्म पितामह के पिताजी थे। उन्होंने किस युक्ति के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा था? तो शांतनु हस्तिनापुर के राजा थे। उन्होंने गंगा नाम की युक्ति के रूप में सौंदर्य से मुक्त होकर उनके समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा था। गंगा ने कितने पुत्रों को नदी की बहती धारा में फेंक दिया था? तो गंगा ने अपने 7 पुत्रों को पैदा किया और नदी की धार में फेंक दिया था। जो 8वें थे, जैसे कृष्ण जी थे 8वें, इसी तरह से भीष्म पितामह 8वें पुत्र थे, जिनको शांतनु ने रोक लिया था, वही भीष्म के नाम से कहलाए थे। शांतनु के पुत्र का क्या नाम था? तो शांतनु के पुत्र का नाम देवव्रत था, लेकिन जब उन्होंने वो प्रतिज्ञा की थी शादी ना करने की, तो जब भी वो क्या कहलाए थे? भीष्म कहलाए थे। अब हमारे भीष्म प्रतिज्ञा, अब हमारा चैप्टर है 3। इसमें दिया है प्रसन्न होना। प्रसन्न होने का मतलब प्रफुल्लित होना। तरुणी, तरुणी का मतलब युक्ति। नागवार का मतलब होना अनुचित, मतलब जैसे युक्ति का मतलब एक कन्या, कन्या मानो जो एक मतलब कुंवारी कन्या है तो उसे युक्ति बोलते हैं। नागवार का मतलब अनुचित होना। कुशार का मतलब काफ़ी कहते हैं ना, ये बंदा बहुत कुशार बुद्धि का, काफ़ी तेज बुद्धि का है। शार्थी का मतलब व्रत चलाने वाला। नाती का मतलब होता है पुत्री का पुत्र। अब सत्यवती ने शांतनु को विवाह हेतु किसकी अनुमति लेने को कहा था? तो सत्यवती थी भीष्म पितामह की, मतलब जो सत्यवती थी भीष्म पिता जो शांतनु थे उनकी, तो पहले एक तो गंगा थी उनकी पत्नी, दूसरी सत्यवती थी। अब उन्होंने बोला कि आप मेरे पिताजी से आज्ञा लीजिए। देवव्रत किस प्रतीक के कारण भीष्म कहलाए थे? जीवन भर विवाह न करने का, आजन्म ब्रह्मचारी रहने का भयंकर, जो प्रतिज्ञा के कारण देवव्रत भीष्म कहलाए थे। अब आगे क्या था, वो इसी के नाम से वो प्रसिद्ध हुए। अब क्या था कि जो सत्यवती ने शांतनु को कितने पुत्र प्राप्त, सत्यवती से शांतनु कितने पुत्र प्राप्त हुए? तो वो हमें 2 पुत्र प्राप्त होते,
सत्यवती से शांतनु के दो पुत्र, एक चित्रांगद था एक विचित्र प्रिय था, और भीष्म किसके थे? गंगा जी के थे। तो चित्रांगद और विचित्र, ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। शांतनु के बाद हस्तिनापुर के सिंहासन पर कौन बैठा? तो शांतनु के मतलब कौन बैठा था? तो शांतनु का जो पुत्र चित्रांगद बैठा था शांतनु के बाद। अब हमारा आया इसमें अध्याय 4। तो इसमें आया अम्बा और भीष्म। स्वेच्छाचारी का मतलब है इच्छा के अनुसार व्यवहार करने वाला। अनुरक्त का मतलब होता है आकर्षक, आसक्त होना। फिर हमारा है कि मतलब उसमें लिप्त रहना, या उसमें निवर्त रहना, या ये निवर्त रहना। गांगे का मतलब गंगा का पुत्र होना, और द्र्यात का मतलब करुणा युक्त। तो ये भी क्या है हमारे, सारे ये हमारे कठिन शब्द हैं। अब हमारा है इसमें प्रश्नोत्तर। अब इसमें दिया है इसमें काशीराज की कन्याओं के स्वयंवर में भीष्म किस उद्देश्य से गए थे? तो भीष्म अपने छोटे भाई जो विचित्र वीर्य के लिए कन्याओं का अपहरण करने के लिए गए थे। उस काल में क्षत्रियों के द्वारा अपहरण करके ही विवाह को श्रेष्ठ माना जाता था। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, अम्बा ने एकांत में भीष्म से क्या कहा था? अम्बा ने भीष्म से कहा था, गांगे मैं सोप देश के जो नरेश साल्य को मन ही मन अपना पति मान चुकी हूँ, इस स्थिति में आप मेरे विषय में उचित निर्णय लें। तपस्वी ब्राह्मण ने अम्बा को क्या सलाह दी थी? तो तपस्वियों ने कहा कि बेटी तुम परशुराम जी के पास जाओ और वे ही तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। तब ऋषियों की सलाह पर अम्बा परशुराम जी के पास गई। युद्ध में कोई निर्णय न पाने के बाद परशुराम जी ने अम्बा से क्या कहा? परशुराम जी ने अम्बा से कहा कि जो कुछ मेरे वश में था कर चुका, अब तुम्हारे लिए यही उचित है कि तुम भीष्म जी की शरण लो। अब हमारे इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है। तो इसमें दिया है भीष्म पितामह ने शिखंडी के साथ युद्ध क्यों नहीं किया? क्यों भीष्म पिता ने शिखंडी के साथ युद्ध नहीं किया? क्योंकि वे जानते थे कि शिखंडी अम्बा है। क्योंकि जब शाल्य ने उसको ठुकरा दिया था तो वो भीष्म के पास गई थी अम्बा। जब वो भीष्म के अम्बा गई थी तो उन्होंने बोला कि मैं तो आजीवन ब्रह्मचारी का पालन करूँगा, तो मैं तो आपसे शादी नहीं कर सकता। तो उसने अपने भाई से बोला था विचित्र से आप कर ली, तो उसने मना कर दिया। तो वो उससे क्या काफ़ी उसको मानित होना पड़ा। फिर परशुराम जी ने भी किसी ने भी उसकी सहायता नहीं की। तो उससे क्या हुआ कि उसने तपस्या करके एक पुरुष का रूप धारण किया था जो ही शिखंडी था। तो भीष्म जानते थे कि वो ही अम्बा ही शिखंडी, इसलिए उनके साथ युद्ध नहीं किया। उन्होंने बोला कि जो स्त्रियों पर मतलब हथियार चलाना वो हमारी शोभा नहीं देता। तो इसलिए उसने उसको जब भीष्म पितामह को मतलब अर्जुन ने बाण चलाए थे तो शिखंडी उसके सामने खड़ा था। अब हमारा है अब फायद है फायद, तो ये हमारा विदुर है। प्रख्यात का मतलब प्रसिद्ध होना, अथाय का मतलब अपार होना, जिसकी गहराई का पता ना। अथाय का मतलब अपार, जिसकी गहराई का पता नहीं लगा सकते। निष्प्रय का मतलब बिना किसी लोभ या लालच का। गांधारी का मतलब होता है दुर्योधन की माता। अनुरोध का मतलब आग्रह। लोक निंदा का मतलब समाज में होने वाली बुराई। और खिन का मतलब दुखी। और सुषमा का मतलब होता है सौंदर्य। और छल प्रपंच का मतलब है धोखाधड़ी। तो ये शब्द क्या है हमारे, कठिन शब्द है, क्योंकि एग्जाम में आपको कठिन शब्द के अर्थ लिखने के लिए आते हैं। अब आते हैं हमारा प्रश्न, हमारा ये पहला है। तो इसमें विदुर कौन थे? विदुर विचित्र व्यय की रानी अम्बालिका की दासी के पुत्र थे। तो जो इनकी रानी थी अम्बालिका, उनकी दासी उनके पुत्र थे, इसीलिए वो हर तरह से सक्षम थे, लेकिन दासी के पुत्र इसलिए वो राजा नहीं बन पाए थे। विदुर किस क्षेत्र के विद्वान थे? विदुर धर्मशास्त्र व राजनीति के विद्वान थे। विदुर नीति का प्रसिद्ध ग्रंथ, उनका प्रसिद्ध ग्रंथ है विदुर नीति। धृतराष्ट्र के यहाँ विदुर किस पद पर थे? तो वो प्रधानमंत्री थे। युधिष्ठिर, अब इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है। तो इसमें दिया युधिष्ठिर ने विदुर की सलाह को सुनने के बाद विदुर को क्या उत्तर दिया? तो युधिष्ठिर ने विदुर से कहा कि एक तो मैं महाराज धृतराष्ट्र की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता, और दूसरा युद्ध युद्ध या खेल की चुनौतियों को अस्वीकार करना क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध है। तो मैंने आपको ये चैप्टर करवा चुका हूँ, ये 5 चैप्टर तक कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी के आगे यदि मुझे आगे आप मेरी सपोर्ट करेंगे तो मैं आगे ये कंटिन्यू करूँगी। ऐसे ऐसे 5-5 करके 5-5 चैप्टर करके मैं आपको ये पूरा जो महाभारत की जो सीरीज है सब क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। तो मिलते हैं आपको अध्याय 6 के क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।